नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के कूच विहार जिले में शनिवार को स्थानीय लोगों के जरिए हमला किए जाने के बाद CISF ने कथित तौर पर गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई। विशेष प्रवेक्षकों की एक अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर उस पोलिंग बूथ पर मतदान स्थगित कर दिया गया है और शाम को मुख्य निर्वाचन आयोग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वहीं इस हिंसा के बाद बीजेपी और TMC में वार पलटवार का दौर तेज हो चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CISF की गोलीबारी में 4 लोगों के मारे जाने पर बंगाल में एक रैली में कहा कि कूच विहार में जो कुछ हुआ वो दुखद है। जिन लोगों की मौत हुई है, मैं उनके निधन पर दुख जताता हूँ। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। साथियों, इस बीच कुछ बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। आपकी कुर्सी जाते देख दीदी इस स्तर पर उतर आई है, लेकिन मैं दीदी को, TMC को, उनके गुंडों को साफ साफ कह देना चाहता हूं, दीदी और TMC की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। मेरा चुनाव आयोग से आग्रह है कि कुछ बिहार में जो हुआ उसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वहीं ममता बनर्जी ने इस घटना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि CISF ने आज कूच विहार में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। सुबह एक और मौत हुई थी। CRPF मेरी दुश्मन नहीं है, लेकिन गृह मंत्री के निर्देश पर एक साजिश चल रही है और आज की घटना एक सबूत है। ममता ने आगे कहा कि मारे गए लोगों की क्या गलती थी, ये लोग चाहते हैं कि हर कोई BJP को वोट करे। उन्होंने कहा कि अमित शाह क्यों केंद्रीय बलों को वोटरों के डराने के निर्देश दे रहे हैं। हमें बदला लेना होगा और बदला ये है कि हम इन लोगों के खिलाफ वोट करें। ये लोग दावा कर रहे हैं कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई है। TMC नेता सौगत रॉय ने भी कूच विहार में हिंसा को लेकर अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हम इस घटना की निंदा करते हैं, मासूम लोगों की हत्या के पीछे अमित शाह हैं। पार्टी के 4 कार्यकर्ता अमित शाह के इशारे पर मारे गए हैं। ये बंगाल के लिए शर्म की बात है। वोटर उन्हें माफ नहीं करेंगे। हम सभी एरिया और ब्लॉक में काली पट्टी बांधेंगे और सभी जगहों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अब अमित शाह का इस्तीफा मांगेंगे। वहीं दूसरी ओर जलपाईगुड़ी रेंज के DIG ने आधिकारिक बयान में बताया कि यहां मतदान बंद किया गया है, स्थिति अभी नियंत्रण में है। 4 लोगों की अभी तक मौत हुई है जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।